हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सी लैंग्वेज में जो कीवर्ड्स यूज होते हैं उनकी। देखिए, पिछले पिछले लेक्चर्स में हम लोग सी के बारे में, सी के हिस्ट्री से लेकर और उसमें वेरिएबल नेम कैसे रखे जाते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे कीवर्ड्स क्या होते हैं और सी में कौन कौन से कीवर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो नाउ वी राइट सी कीवर्ड्स। ठीक है, तो देखिए इसे बहुत सिंपल है, कोई इतना हाई तो वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि सी क्या है। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये तो आप जान ही गए हैं। ठीक है, तो जब ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो हर लैंग्वेज में कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड होती है। आप समझ रहे बात को? जैसे मान लीजिए, अच्छा छोड़िए सी को, आप सिंपली समझ लीजिए, अगर हम लोग इंग्लिश जानते हैं। ठीक, अब इंग्लिश में मान लीजिए हमने कहा कि हमने लिखा फादर। ठीक, तो इंग्लिश में जब हम FATHER लिखते हैं तो इसकी मीनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज जब डेवलप की गई तो जिसको आप डिक्शनरी कहते हैं, कुछ भी, यानी इसकी मीनिंग डिफाइंड है कि फादर का मतलब हो गया पिता। ठीक, या जैसे अगर हमने लिखा BROTHER तो इसका मतलब हो गया भाई। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वर्ड्स हैं इनकी मीनिंग डिफाइन है ना भाई। अगर हम लिखें कि FATHEER ऐसे लिख दें, या हमने कहा FFATHER, तो ना तो इसके मतलब फादर होगा, पिता होगा, ना इसका मतलब पिता होगा। इसका मतलब ये जो इस लेटर्स का कॉम्बिनेशन है FATHER, इन लेटर्स का जो कॉम्बिनेशन है दैट मेक्स फादर वर्ड, और फादर वर्ड का मतलब होता है पिता। ठीक, तो एक तरह से आप कह सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में ये की वर्ड हो गया। यू गॉट माई पॉइंट? तो ऐसे ही अब आप लौट आइए सी लैंग्वेज में। ऐसे ही सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि जो की वर्ड्स होते हैं ये वो वर्ड हैं जिनकी मीनिंग ऑलरेडी ऑलरेडी डिफाइंड है एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है जब सी लैंग्वेज डेवलप की गई थी, जिन्होंने डेवलप किया था उन्होंने उन वर्ड्स की मीनिंग ऑलरेडी डिफाइन कर दी। उन वर्ड्स को यूजर यूज करेगा तो उससे वो नहीं यूज कर सकता, पहली चीज यूज करेगा तो वो एरर दिखा देगा। ठीक, तो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड कीवर्ड। पहली चीज तो ये हो गई, ये आप अपने कॉन्सेप्ट में क्लियर रखिए। आप एकदम आराम से पढ़िए सी लैंग्वेज, क्योंकि मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने मास्टरी कर ली शुरू से, अब जैसे एक कीवर्ड है, जितनी चीजें अभी तक आप पढ़ते आए हैं हर लैंग्वेज में आपको ये सब करेक्टर, रियल कॉन्स्टेंट, इंटीजर कॉन्स्टेंट, वेरिएबल, वेरिएबल के नेम बनाने के रूल, ये सारे लैंग्वेज में अपने अपने रूल मिलेंगे, अपनी अपनी कहानी मिलेगी, लेकिन कहानी यही मिलेगी। तो आपको अगर आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी अच्छे से कर ली, और उसमें हम सजेस्ट करेंगे सी लैंग्वेज इतनी यूजर फ्रेंडली, इतनी बढ़िया लैंग्वेज है कि अगर आपने इसको कर लिया तो और कोई भी लैंग्वेज सीखने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे देखिए बचपन में आप लोगों से कहा जाता है कि अगर साइकिल चलानी आपको आ गई तो आगे आप सारे व्हीलर, टू व्हीलर, फोर व्हीलर चला लोगे। ऐसे ही सी लैंग्वेज में क्या है, अगर आपने सी में मास्टरी कर ली, सी प्रोग्रामिंग आपको आ गई, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया है ना। प्रोग्रामिंग देखिए रटने का काम नहीं है, प्रोग्रामिंग लॉजिक बेस्ड काम है। प्रोग्रामिंग जो है वो लॉजिक बेस्ड काम है, और अगर वो चीज़ आपको आ गई तो अगर आपका लॉजिक क्लियर है तो आप कोई भी लैंग्वेज तैयार कीजिए, आप 10 दिन के अंदर उसको सीख जाएंगे। ठीक, नाउ वी कम टू द पॉइंट। तो कीवर्ड्स की हम लोग बात कर रहे थे। कीवर्ड्स आर द वर्ड्स हुज मीनिंग हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन टू द सी कंपाइलर, या आप ये कह लो टू द कंप्यूटर। ठीक है, अब सी लैंग्वेज में इस तरह के अगर हम बात करें कि ऐसे कितने कीवर्ड होते हैं, तो सी लैंग्वेज में आप तकरीबन मान लीजिए 32 कीवर्ड्स डिफाइंड है जिनकी मीनिंग सी के कंपाइलर को पता है। ठीक है,
देर आर 32 कीवर्ड्स विच आर बीइंग यूज इन सी लैंग्वेज। ठीक है, अब जैसे अब कौन कौन से होते हैं, तो अब 32 कीवर्ड्स को लिखना तो एक तरह से टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, लेकिन ठीक है, इसको हम लोग चाहे तो कोशिश कर सकते हैं। जैसे ये कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं ये फटाफट हम लोग इसको लिखते हैं। देखिए, पहला तो हो गया ऑटो, उसके बाद ब्रेक, फिर हो गया केस, करेक्टर, कॉन्स्टेंट, कॉन्टिन्यू, डिफॉल्ट और डू, ये हो गया। फिर आप और लिखिए डबल, फिर हो गया एल्स, एल्स, फिर इनम, फिर एक्सटर्न, ठीक है, फ्लोट, फिर है आपका फॉर, गो टू, इफ एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये 32 कीवर्ड जो है ये आप बुक से भी देख सकते हैं, और हर एक वर्ड की अपनी मीनिंग होती है। ठीक है ना, हर एक वर्ड की अपनी, ये जो जैसे डबल है तो डबल वर्ड की क्या मीनिंग है वो सी के कंपाइलर में या एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सी ऑलरेडी डिफाइन की हुई है, ऑलरेडी डिफाइंड, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। एल्स की क्या मीनिंग है, इनम की क्या है, और भी जैसे कीवर्ड होता है आपका शॉर्ट हो गया, ठीक है, और जैसे साइज ऑफ कीवर्ड आएगा, इन सब की मीनिंग सी में डिफाइंड है, सबको यहाँ पे लिखने का मतलब नहीं, टाइम वेस्ट होगा। जैसे जैसे ये कीवर्ड्स आते जाएंगे हम आपको बता, अभी जब प्रोग्रामिंग करेंगे हम लोग तो बारी बारी से कीवर्ड्स आने शुरू हो जाएंगे, उसी टाइम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक, तो ये यूज होता है कीवर्ड्स का। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि द कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम्स। अब देखिए, कीवर्ड क्यों कीवर्ड कहलाते हैं, क्योंकि इनकी मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है, तो इनको आप वेरिएबल नेम, किसी वेरिएबल का नाम आप कीवर्ड नहीं ले सकते, समझ रहे हैं आप। मतलब किसी प्रोग्राम में सपोज कीजिए आपको दो वैल्यू लेनी है एक्स और वाई, ठीक है, तो अब आपने कहा ठीक है सर हम ऐसा करते हैं ऑटो ले लेते हैं और ऑटो वन ले लेते हैं, ये वेरिएबल हो गए हमारे, और वेरिएबल के सारे रूल भी फुलफिल कर रहे हैं, लेटर भी है, इंटीजर भी है, ये भी है। हाँ, फुलफिल तो कर रहे हैं, आप ले भी सकते हैं, लेकिन इसको नहीं ले सकते, ये आप ले सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये कीवर्ड नहीं है, लेकिन ये ऑटो ऑलरेडी डिफाइंड है, इसको आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सपोज कीजिए आपने कहा कि किसी वैल्यू को आपने डिफाइन किया कॉन्स्टेंट, मान लीजिए ए की वैल्यू से 5 है और आपने उसको कॉन्स्टेंट डिफाइन करना है, तो अगर आप उसको ऐसे इंग्लिश में लिख देंगे कॉन्स्टेंट ए, तो कंपाइलर उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि सी लैंग्वेज में कॉन्स्टेंट लिखने के लिए या कंपाइलर को समझाने के लिए कि ये कॉन्स्टेंट है, आपको सी ओ एन एस टी बस इतना लिखना है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि किसी भी कीवर्ड को वेरिएबल का नाम नहीं लिया जा सकता, नहीं रखा जा सकता है। ठीक, पहली चीज। नेक्स्ट क्या है आपका, कि अगर हम, अच्छा किसी ने कहा कि नहीं अगर हम वही रखते हैं तो क्या होगा, तो देखिए अगर आप रखते हैं, पहली बात तो जबरदस्ती आ वैल मुझे वार, दूसरी बात क्या है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो वी आर ट्राइंग टू असाइन ए न्यू मीनिंग टू द कीवर्ड विच इज नॉट अलाउड, समझ रहे हैं आप। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कीवर्ड की मीनिंग बदलना चाह रहे हैं, वो बात वही है जैसे अभी आपको इंग्लिश बताया ना, कि आपने कहा कि नहीं फादर, फादर की पहले हम जो है फादर के माने कुछ और लिखेंगे, ठीक है, मान लीजिए हमने फादर के मतलब हमने हम चाचा लिखेंगे, तो आप ये मीनिंग चेंज करना चाह रहे हैं, दिस इज नॉट अलाउड इन इंग्लिश। सिमिलरली इफ यू वॉन्ट टू पुट ए वेरिएबल नेम एज कीवर्ड, किसी कीवर्ड को, जैसे अभी हमने ऑटो की एग्जांपल बताई, आप वेरिएबल का नाम रखना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब आप उसकी मीनिंग चेंज करना चाह रहे हैं, और ऐसे मीनिंग नहीं चेंज होगी, लैंग्वेज अपने आप, लैंग्वेज में आप थोड़े कोई छेड़छाड़ कर सकते हैं, लैंग्वेज डेवलप की गई है आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए, आप लैंग्वेज को मत रीडिफाइन करने चलिए, क्लियर। अब उसके बाद क्या होता है कि हाउएवर इंस्टेड ऑफ दिस वी वुड राइट
सॉरी हाँ, उसके बाद क्या होता है कि सम सी कंपाइलर्स अलाउ यू टू कंस्ट्रक्ट वेरिएबल नेम्स दैट एग्जैक्टली रिजेंबल द कीवर्ड। हाउएवर इट वुड बी सेफर नॉट टू मिक्स अप द वेरिएबल नेम्स एंड द कीवर्ड। तो वही चीज वो कह रहा है कि कुछ कंपाइलर जो है, हमने बात की थी ना कि आपके टर्बो सी है, सी प्लस प्लस है, ये कुछ कंपाइलर सेम कीवर्ड तो नहीं लेकिन ऐसे कीवर्ड को अलाउ करते हैं जो एग्जैक्टली रिजेंबल करते हैं कीवर्ड्स को। ठीक है, तो ठीक है, कुछ कंपाइलर अलाउ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। आपका प्रोग्राम कभी रन करेगा किसी कंपाइलर पर, किसी पर नहीं करेगा, तो क्या फायदा? इससे अच्छा है कि इट वुड बी सेफर नॉट टू मिक्स अप द वेरिएबल नेम्स विद द कीवर्ड। कीवर्ड से आप छेड़छाड़ करिए ही मत, उसको कंसीडर ही मत करिए। ठीक, अब उसके बाद एक पॉइंट और है कि कुछ कंपाइलर वेंडर, जैसे अब कंपाइलर, जैसे कंपाइलर कौन कौन सी कंपनियां बनाती है, तो कंपाइलर वेंडर की हम लोग बात करेंगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया आपका, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, और आपकी बोरलैंड है, बोरलैंड है, और भी कई कंपनियां हैं। तो वो क्या करते हैं, दे प्रोवाइड दियर ओन कीवर्ड्स अपार्ट फ्रॉम द वंस जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। मतलब कुछ कंपनियां जो कंपाइलर बनाती हैं सी का, वो क्या करती हैं, वो अपना कीवर्ड देती हैं। दिस इंक्लूड एक्सटेंडेड कीवर्ड्स लाइक नियर, फार, एएसएम एटसेट्रा, दो इट हैज बीन सजेस्टेड बाई द एनएसआई कमेटी। मतलब कुछ कंपनियां अपने भी कीवर्ड देती हैं, मतलब जो कीवर्ड सी में अभी हमने पीछे पढ़ा आपको 32 तरह के, उसके अलावा कुछ कंपनी अपने भी कीवर्ड देती हैं। ठीक है, तो ठीक है, उनके जो कंपाइलर हैं उसमें आप उन एक्स्ट्रा वर्ड्स को भी कीवर्ड की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन इन सबको कंट्रोल वाली, जो कंट्रोल करने वाली जो वर्ल्ड लेवल पे जो कमेटी है, एएनएसआई कमेटी, दैट इज कॉल्ड एएनएसआई कमेटी, उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि दो इट हैज बीन सजेस्टेड बाय द एएनएसआई कमेटी दैट एवरी सच कंपाइलर स्पेसिफिक कीवर्ड शुड बी प्रिसीडेड बाय टू अंडरस्कोर। तो इन कंपनीज ने कहा कि हम अपना कीवर्ड देंगे, तो एएनएसआई कमेटी ने कहा कि ठीक है आप दीजिए, लेकिन आप जो भी नया कीवर्ड, जैसे मान लीजिए उधर हम लोगों ने ऑटो पढ़ा था ना, सपोज कीजिए कोई एक कीवर्ड ले लीजिए कुछ भी, हमने कहा कि से कोई ऑपरेशन बताइए, सब्ट्रैक्शन हुआ मान लीजिए। ठीक, सब्ट्रैक्शन के लिए सपोज कीजिए इस कंपनी ने, मान लीजिए सी में, सी ने डिफाइन किया हुआ है एस यू बी। अब किया है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, अब एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि सी में ऑलरेडी ये डिफाइंड है, क्लियर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, इन्होंने अपना कीवर्ड दिया कि भाई सब वन, या इन्होंने अपना कीवर्ड दिया सब्ट्रैक्शन के लिए सब टी बोले, और इसकी मीनिंग इन्होंने अपने कंपाइलर में एक्सप्लेन कर दी है, यानी ये सब टी काम करेगा सब्ट्रैक्शन के लिए। तो ऐसे क्या होगा कि हर कंपनी अपना ऐसे ऐसे करेगी, तो फिर वर्ल्ड लेवल पे इसकी एडमिटेंस हो चुकी। तो जो एनएसआई कमेटी है जो कंट्रोल करती है इन सारी चीज़ों पर वर्ल्ड लेवल पे, उन्होंने ये सजेस्ट किया कंपनीज को कि ठीक है आप अपना कीवर्ड बनाना चाहते हो आप बनाओ, लेकिन उसको सी के ओरिजिनल कीवर्ड से अलग करने के लिए आप उनको टू अंडर स्कोर उनके पहले लगा दो, आप ऐसे कर दो बस। तो टू अंडर स्कोर शुड बी प्रिसीडेड बाई द बिफोर द कीवर्ड प्रोवाइडेड बाई द कंपनी, ताकि डिस्टिंग्विश हो सके कि हाँ ये कंपनी द्वारा दिया हुआ कीवर्ड है और ये सी लैंग्वेज में डिफाइन किया हुआ कीवर्ड है। क्लियर, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द, आपको अभी तक आज तक के लेक्चर में आपको सी की हिस्ट्री, इंटीजर कॉन्स्टेंट, रियल कॉन्स्टेंट, ठीक है, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, वेरिएबल नेम्स, और आज हमने आपको सी के कीवर्ड्स के बारे में बता दिया। तो आई होप नाउ वी पीपल आर रेडी टू स्टार्ट विद अ सी प्रोग्राम। तो होपफुली नेक्स्ट नेक्स्ट उसमें लेक्चर में हम लोग अपना पहला सी प्रोग्राम बनाएंगे। क्लियर, ओके, आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।